राजस्थान में विधानसभा चुनाव में एक खबर ने हलचल मचा दी है। हलचल इसलिए है कि 5 साल में पहली बार मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा खास मुलाकात करने सचिन पायलट के आवास पर पहुंचे। इस खबर के बाद से ही राजस्थान की राजनीति में हलचल मची हुई है। सबका एक ही सवाल है कि दोनों के बीच बात क्या हुई, सीएम का कौन सा संदेश लेकर लोकेश शर्मा पायलट के आवास पर पहुंचे। माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर मुख्यमंत्री का विशेष संदेश लेकर शर्मा ने पायलट से मुलाकात की है और साल 2018 में कांग्रेस सरकार बनने और फिर 2020 में हुई बगावत के बाद 5 साल में लोकेश और पायलट की ये पहली मुलाकात है। इस मुलाकात को अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी के दौरे के ठीक बाद ये मुलाकात तय हुई है। यही वजह है कि इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकात के विषय में बात करते हुए लोकेश शर्मा ने बताया कि हमारे बीच आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। मैं सीएम का सलाहकार होने के साथ साथ वॉर रूम का उपाध्यक्ष भी हूं। जल्द ही चुनाव है और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर हम बात तो कर ही सकते हैं। सचिन पायलट हमारे सीनियर नेता हैं, उनकी सलाह हमारे लिए जरूरी है। सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच विधानसभा के टिकटों को लेकर मंथन हुआ है। ऐसी बात भी निकलकर सामने आ रही है कि लोकेश शर्मा ने बीकानेर से खुद के टिकट की दावेदारी जताई है। अनुमान इस बात का भी लगाया जा रहा है कि लोकेश शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैसेज लेकर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो जिस तरीके से कांग्रेस की जारी लिस्ट में सचिन पायलट के समर्थकों के नाम आए हैं, अब वैसे ही अशोक गहलोत के तमाम समर्थक चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। ऐसे में सचिन पायलट से मुलाकात के बाद लोकेश शर्मा के दरवाजे बीकानेर से खुल सकते हैं, इसके कयास लग रहे हैं। आपको बता दें कि जब पायलट और गहलोत के बीच विवाद चरम पर था, तब गहलोत ने भाषाई मर्यादाओं को तार तार करते हुए पायलट पर कई आरोप लगाए थे। यहां तक कि वो पायलट को नकारा और निकम्मा तक कह गए थे। गहलोत ने कहा था, हमने कभी सचिन पायलट पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन पायलट ने ही कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक भोले चेहरे के पीछे ऐसा साजिश करने वाला होगा। गहलोत ने कहा था कि हम जानते थे कि वो निकम्मा है, नाकारा है और कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है, लेकिन मैं यहां बैंगन बेचने नहीं आया हूं, मुख्यमंत्री बनकर आया हूं। गहलोत ने पायलट पर भाजपा से मिले होने का आरोप तक लगा दिया था। आपको बता दें कि दोनों के बीच विवाद और पायलट के बागी तेवरों को देखते हुए पार्टी ने सचिन पायलट को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। वैसे देखा जाए तो 2018 में सरकार बनने के बाद जब 2020 में बड़ी बगावत पायलट ने अपने कुछ विधायकों के साथ की थी, तो उसके बाद से अगर देखा जाए तो लोकेश शर्मा की ये पहली मुलाकात है सचिन पायलट से। लोकेश शर्मा अशोक गहलोत के ओएसडी हैं और उनका कामकाज बहुत दिनों से देख रहे हैं। लोकेश शर्मा और पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट के बीच लगभग 30 मिनट की ये बातचीत सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा होना लाजमी भी है क्योंकि चुनावी मौसम है और टिकटों का बंटवारा लगातार जारी है। ऐसे में ये मुलाकात यूं ही हुई होगी ऐसा नहीं लगता। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।